जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, वन रैंक वन पेंशन के लिए लड़ने वालों के लिए खुशखबरी, और खुशखबरी ये है कि पूर्व सैनिकों ने महाकुंभ की तैयारी कर दिया, यानी कि अब सारे पूर्व सैनिक एक साथ मिलकर वारोपी की विसंगतियों की जो लड़ाई है उसको लड़ने की तैयारी में जुट गए और अपनी मंजिल के बहुत ही नज़दीक पहुँच चुके हैं। जैसा कि आप सभी जानते हो, 25 दिसंबर को दिल्ली पालम के अंदर पूर्व सैनिकों के संगठनों की एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में जिन संस्थाओं ने हिस्सा लिया वो आपके सामने कुछ इस तरीके से हैं। इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन, ये संस्था आई, इनका प्रतिनिधित्व किया कैप्टन चरण सिंह मलिक जी ने और उनके साथी। दूसरे देशवा का प्रतिनिधित्व किया एडवोकेट सीपी सिंह जी ने और उनके साथियों ने। संयुक्त जवान मोर्चा पंजाब, जिसका प्रतिनिधित्व किया फ्लाइंग ऑफिसर कमल कुमार वर्मा जी और उनके साथियों ने। जय हिंद फाउंडेशन जो कि जेएनके की एक संस्था है, वहां से तरसीम मन्हास जी ऑनलाइन जुड़े, वो फिजिकल प्रेजेंट नहीं थे। फेडरेशन ऑफ वेटर्न्स एसोसिएशन, इनका प्रतिनिधित्व किया सूबेदार अर्जुन सिंह राठौर जी और उनकी टीम ने। और इसके बाद एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एंड हेल्पलाइन सोसाइटी, इनका प्रतिनिधित्व किया नंदन रावत जी और उनकी टीम ने। इसके बाद देखिए वेटरन साउथ वेस्ट दिल्ली, जिसका प्रतिनिधित्व किया कैप्टन सीपी पाठक जी और उनकी टीम ने। इसके बाद फेडरेशन ऑफ जेसीओ जवान हिमाचल प्रदेश, इसका प्रतिनिधित्व किया कैप्टन जगदीश चंद वर्मा जी ने। और उसके बाद साबका सैनिक यूनाइटेड वेलफेयर सोसाइटी, इसका प्रतिनिधित्व किया वेटरन हरदीप सिंह रंधावा जी ने। और आगे देखिए एक्स सैनिक वेलफेयर कमेटी मोहाली, जिसका प्रतिनिधित्व किया वेटरन प्रेम सिंह साहब जी ने। और पूर्व सैनिक संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश, ये ऑनलाइन जुड़े, जिसके एके दीक्षित साहब जी हैं जो ऑनलाइन जुड़े। और साबका सैनिक संघर्ष समिति, जिसका प्रतिनिधित्व किया सूबेदार प्रगट सिंह और उनकी टीम ने। तो ये सभी लोग जगह जगह से, कोई हिमाचल से, कोई पंजाब से, कोई राजस्थान से, कुछ हरियाणा से, कोई यूपी से, मतलब चारों तरफ से आए और एक साथ मिले। और आगे किस तरीके से काम किया जाए इस पर चर्चा हुई। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं स्पेशल धन्यवाद देना चाहूँगा एडवोकेट सीपी सिंह साहब का, जो कि देशमा के प्रेसिडेंट हैं। इन्होंने अपनी देशमा की पूरी टीम के साथ मिलकर इस मीटिंग का आयोजन किया, सिटिंग अरेंजमेंट किया, खाने पीने का आयोजन किया, संचालन किया, जो कि वाकई देखने लायक था। अगर आप तुलना करें तो वो किसी पार्लियामेंट्री जो मीटिंग हो, किसी का संसद जैसा माहौल हो, इस तरीके से उनको संचालन किया और ऑर्गेनाइज किया, उनके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, मैं स्पेशल थैंक्स यहाँ पर देना चाहूँगा अपने कैप्टन जगदीश वर्मा जी का, जिन्होंने इस मीटिंग के लिए, इस आयोजन के लिए बहुत सारी संस्थाओं से व्यक्तिगत तौर पर स्पेशल अपील की और उनको एक साथ लाने में बड़ी अहम भूमिका निभाई। तो उनके लिए भी स्पेशल थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद दोस्तों, जितने भी हमारे पूर्व सैनिक संगठनों के प्रतिनिधि जो भी इसमें हिस्सेदार बने, जहाँ से आए, चाहे मैं पहले बता चुका हूँ, जितने भी संस्थाएं जुड़ी, उनके प्रेसिडेंट और उनके डेलीगेट जो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, हालांकि पूरे नहीं है, कुछ दूसरे स्लाइडों में भी मिलेंगे, सभी का तहे दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और दूसरा, आप लोग जो लाखों लोगों ने इस मीटिंग को ऑनलाइन देखा, लाइव ये टेलीकास्ट थी और आप लोगों ने ऑनलाइन देखा, आप सभी का भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो मीटिंग चली, इस मीटिंग को शुरू होने से पहले ही सभी ने मिलके ये डिसाइड किया था कि इस मीटिंग के दौरान जितने भी हमारी संस्थाएं हैं, फ्रंट हैं, उन सभी के प्रेसिडेंट्स को बोलने का मौका दिया जाएगा, एक संस्था से एक आदमी को बोलने का मौका दिया जाएगा, और समय बचेगा तो फिर आगे चल के बाकी लोग भी इसमें बोल सकते हैं और अपनी हिस्सेदारी, पार्टिसिपेट, अपना रोल अदा कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसी भी मीटिंग के लिए एक अध्यक्ष का चुनाव होता है और इस मीटिंग के लिए अध्यक्ष का चुनाव हुआ था
संयुक्त जवान मोर्चा पंजाब की तरफ से फ्लाइंग ऑफिसर कमल कुमार वर्मा जी का। उन्होंने मीटिंग की अध्यक्षता की और मीटिंग बड़े ही अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में शुरू हुई, जिसमें सबसे पहले वक्ता के रूप में हमारे कैप्टन जगदीश वर्मा जी थे और वहाँ से मीटिंग शुरू हुई। वर्मा जी ने अपने विचार रखे, एक के बाद एक संस्थाओं के सभी वक्ताओं ने अपने विचार रखे। बड़ी अच्छी मीटिंग चली, लंच तक पूरी मीटिंग का माहौल बहुत ही खुशनुमा सौहार्दपूर्ण अच्छा माहौल रहा। सभी ने अपनी अपनी बातें रखी और इस मीटिंग के लिए एक विशेष सबसे पहले अनुरोध किया गया था कि इस मीटिंग में सिर्फ प्रेसिडेंट और उनका एक डेलीगेट्स, दो ही मेंबर सम्मिलित हों, क्योंकि जो मीटिंग का आयोजन किया गया था एक कॉन्फ्रेंस हॉल में किया गया था, जहां पर 50-40 आदमियों के आसानी से बैठने के अटेंड करने की व्यवस्था थी। यहां मैं अपने उन सभी पूर्व सैनिकों से माफ़ी चाहूंगा जिन लोगों ने मुझसे लोकेशन मांगी, उसमें सम्मिलित होने के लिए परमिशन मांगी। मैंने मना किया कि इस मीटिंग में लिमिटेड प्रतिनिधियों को ही बुलाया गया है और जिनको बुलाया गया उनके पास लोकेशन शेयर कर दी गई है। सभी का अच्छा कोऑपरेशन मिला और सभी ने ऑनलाइन इसको देखा, जिसका लिंक भी शेयर कर दिया गया था। और दोस्तों, प्रथम सेशन समाप्त होने से पहले वहां पर साबका सैनिक यूनाइटेड वेलफेयर सोसाइटी, एक्स सैनिक वेलफेयर कमेटी मोहाली और साबका सैनिक समिति के पूर्व सैनिक अपने कुछ साथियों के साथ वहां पहुंचे और उसके बाद उनकी तरफ से भी हमारे वेटरन हरदीप सिंह रंधावा और प्रेम सिंह साहब ने एकता के बारे में बात कही। बड़े अच्छे माहौल में बातें हुई और ऐसे लगा कि शायद आज हम किसी एक अच्छे सुखद फैसले के साथ यहाँ से निकलेंगे। और इसके बाद लंच की घोषणा कर दी गई। और दोस्तों, लंच के बाद जैसे ही दूसरा सेशन शुरू हुआ, साबका सैनिक संघर्ष कमेटी के जो पूर्व सैनिक आए थे उन्होंने वेटरन्स का जो एजेंडा था उसको दरकिनार किया और कहा कि आप लोग सभी ये घोषणा करें कि 1 जनवरी की जो कॉल दी गई है उसको पोस्टपोन किया जाता है और एक कोई तारीख 20 या 25 जनवरी की डिक्लेयर करें कि उस तारीख को रेल रोको आंदोलन किया जाएगा। इस तरीके के उन्होंने दबाव बनाया और मंच पर अव्यवस्था फैलाई। इनके इस एजेंडे से कोई भी संगठन सहमत नहीं हुआ और सभी ने कहा कि आज एकता वाला जो एजेंडा है उसी पर रहा जाए, पहले एकता की बात की जाए, फिर एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बने और फिर जो वो पास करें, जैसे वो चलाएं, उसके हिसाब से आगे बढ़ा जाए। क्योंकि 1 तारीख को रेल रोको जो आंदोलन है, जो घोषणा है, वो साबका की तरफ से की गई है। अगर कैंसिल करना है तो भी उन्होंने करना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है, आगे कंटिन्यू करना है तो भी उन्होंने ही करना है। दोस्तों, जब उनके प्रस्ताव को नहीं माना गया तो उन्होंने अपनी स्टाइल में, जैसे वो हमेशा करते रहे हैं, मंच भी छीन लिया, माइक भी छीन लिया और उस पर कब्जा कर लिया। तो इस तरीके से वहाँ पर जो माहौल था, जो अच्छा माहौल चल रहा था, जो हम संघर्ष के नज़दीक पहुँच रहे थे, उसमें विघ्न पैदा किया। और जो एकता की बात कर रहे थे, जो एकता के लिए बैठे थे, कैप्टन जगदीश वर्मा जी, अर्जुन राठौर जी, पंजाब से आए हुए अन्य और दूसरे संगठनों के आए हुए जो प्रतिनिधि थे, उन सब के कहने के बावजूद भी उपद्रव की स्थिति बनाई रखी। इसके बाद मजबूरी में उस मीटिंग को बिना किसी निर्णय के समाप्त करने की घोषणा की गई। उसके बाद दोस्तों, जितने भी संगठन वहां आए थे, जैसे कि आप देखें, इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन, देशमा, संयुक्त जवान मोर्चा पंजाब, जय हिंद फाउंडेशन, फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन, एक्स सरसुन हेल्पलाइन सोसाइटी, वेटरन साउथ वेस्ट दिल्ली, पूर्व सैनिक संगठन उत्तर प्रदेश, पूर्व सैनिक सेवा समिति गहमर क्षेत्र, फेडरेशन ऑफ जेसीओ जवान हिमाचल प्रदेश, इन सभी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने विवश होके ये फैसला लिया कि अब हमको साबका सैनिक संघर्ष कमेटी को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि इस तरीके के दबाव और दुराचार से एकता नहीं बनाई जा सकती। दबाव में मंच माइक पर कब्जा करके फैसले नहीं लिए जा सकते। अंत में मैं पुनः आभार व्यक्त करना चाहता हूं मीटिंग के अध्यक्ष फ्लाइंग ऑफिसर कमल कुमार वर्मा साहब का, संयोजन कर रहे कप्तान जगदीश वर्मा जी का और व्यवस्था संभाल रहे एडवोकेट सीपी सिंह जी का। तो दोस्तों, बाधाएं हमेशा आती हैं और आती रहेंगी, लेकिन हमें बाधाओं को पार करके आगे बढ़ना है, क्योंकि लाखों पूर्व सैनिकों की, माता बहनों की, वीर नारियों की आपसे अपेक्षा है, उनकी अपेक्षाओं पर खरे उतरना है और उनके लिए
संघर्ष करके आगे बढ़ना है। तो ये था लेटेस्ट अपडेट 25 दिसंबर को जो एकता की जो मीटिंग हुई थी दिल्ली पालम में उसके संदर्भ में, और जैसे ही अगला अपडेट आएगा मैं आपको अवगत कराऊंगा, और बहुत जल्दी अगली मीटिंग होने की जा रही है जिसमें आगे की रणनीति तैयार होगी। तो दोस्तों हमारा ये मानना है मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए। पूर्व सैनिक जिस भी माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान निकालना चाहते हैं, अगर उस समस्या माध्यमों से निकलता है उनका बहुत बहुत स्वागत है, उनका सपोर्ट करना चाहिए। और जैसा कि आप सभी जानते हो 1 जनवरी की साबका की तरफ से कॉल दी गई है रेल रोको आंदोलन की, जो उनके इस विचार से सहमत हैं वो हिस्सा लें, उसमें बढ़ चढ़ के भाग लें। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।